नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे रिया गार्डनिंग चैनल में। देखिए मेरे गुलाब पर कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं, बर्ड्स भी आ रहे हैं। गर्मियों में नहीं आते इतने अच्छे जितने अब सर्दियों में आने शुरू हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं, एक ये है और दो और खिलने शुरू हो गए। पूरा फूलों से भर रहा है ये गमला, देखिए कितने प्यारे है। देसी रोज है ये, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों कितना सारा एलोवेरा लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। तो मैं इसका गार्डन में कैसे यूज करती हूँ, वैसे हम अपने घर में भी इसका यूज करते हैं बालों पे फेस पैक बनाने में। देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बिना मिट्टी के है दोस्तों। ऐसे ही मैंने इसको ना पेंट की बाल्टी में रख दिया था, ये मेरी पेंट की बाल्टी है, तो मैंने इसको इसके अंदर ऐसे ही रख दिया था, बिना मिट्टी के है दोस्तों। और देखो कितना अच्छा ग्रो हो रहा है, हर जगह लगा हुआ है मेरे यहाँ। बहुत ही मतलब इसकी केयर भी कुछ नहीं है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप कहीं से भी इसका एक बेबी प्लांट ले आइए, जैसे ये है, और उसको लगा लीजिए तो बन जाएंगे। देखिए कितने सारे बन गए। तो देखिए मैं आज इसका एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने जा रही हूँ। गर्मियों में तो मैं इसको काट कर ऐसे ही डाल देती हूँ और ये अपने आप ही मिट्टी में मिल जाता है, एक दो दिन में पता भी नहीं चलता। एलोवेरा है दोस्तों ये, इसको मैं काट के ना ऐसे ही गर्मियों में सभी गमलों में डाल देती हूँ, बहुत अच्छा होता है। मगर आज सर्दियों में मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना रही हूँ जो प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। इसको काट कर मैंने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे पीस काट रही हूँ। ये देखिए मैंने काट लिए। तो देखिए मैंने इसमें काट कर भिगोया था ना, तो इसका पानी देखिए पीला हो गया। हमें ये पानी नहीं इस्तेमाल करना, जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे सब इसी में चले गए, तो ये पानी तो खराब है। इसी में भिगोया था मैंने, इसका मैं साफ सफाई में इस्तेमाल कर लूंगी। अब मैं साफ पानी ले रही हूँ, ये देखिए ये साफ पानी है। अब कैसे बनाना है वो बताती हूँ। इसके लिए हमें जो भी सामान चाहिए वो है गुड़, ये देसी गुड़ है दोस्तों। वो सफेद वाला गुड़ नहीं लेना, जो काला गुड़ होता है ना वो लेना है। जो सफेद गुड़ होता है वो पॉलिश और केमिकल होता है उसमें, जो खाने में भी अच्छा नहीं होता, वैसे देसी गुड़ अच्छा होता है। तो ये वाला गुड़ और ये एलोवेरा बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बनता है ये। इसको मैं पानी में डाल दूंगी। तो देखिए मैंने इसको पानी में भिगो दिया, 24 घंटे के लिए इसको मैं रख दूंगी। 24 घंटे में ये अच्छी तरह गल जाएगा, फिर इसका इस्तेमाल करूंगी। मैंने इसमें गुड़ और एलोवेरा काट के डालना है। अब आगे और क्या डालना है वो भी बता देती हूँ। ये दही है दोस्तों, ये डालूंगी, दही थोड़ी सी डालनी है ताकि ये अच्छी तरह फर्मेंट हो जाए। तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। अभी तो मैं इसको ढक के रख रही हूँ, 24 घंटे के लिए रखना है, और जब इसका इस्तेमाल करना है मैं बता दूंगी। अभी मैं इसको ढक के रख रही हूँ। ये देखिए 3 से 4 दिन हो गए हैं इसको भिगो के रखे हुए, और देखिए कितना अच्छा बन गया। अब इसमें से कोई स्मेल भी नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत आती है लेकिन हम गार्डन का काम करते हैं ना तो इतनी तो आदत पड़ ही जाती है। तो देखिए कितना अच्छा बन गया। अब मैं इसका यूज कर रही हूँ अपनी सब्जियों वाले सभी प्लांट में, जितनी भी मैंने सब्जियां लगा रखी है ना सभी में मैं इसका आज इस्तेमाल करूंगी। बहुत ही अच्छा बना है ये भी। मैंने पूरा एक मग ले लिया, इतना ही लेना है, और इसको छान लूंगी। अब ये जो एलोवेरा है सारा किचन कंपोस्ट में चला जाएगा,
इसकी खाद बन जाएगी। मुझे जो एलोवेरा से चाहिए था और गुड़ से चाहिए था वो सब पानी में मिक्स हो गया है, मुझे जितना चाहिए था, और ये जितना है इसका सारा मैं किचन कंपोस्ट में यूज कर लूंगी। ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, आप डालना। अगर आपके पास सरसों की खली या और कोई फर्टिलाइजर नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा सबके पास होता है और गुड़ भी, क्योंकि आजकल सर्दी है तो गुड़ तो सभी के पास मिल ही जाएगा, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और ये सारा किचन कंपोस्ट में खाद में। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है दोस्तों, लिक्विड सीवीड। ये ड्राई भी आता है लिक्विड भी आता है, तो मैं इसका यूज ज्यादा करती हूँ, ड्राई वाले का नहीं। आउटडोर और इंडोर दोनों प्लांट पे भी इसका यूज करती हूँ, तो इसका मैं पूरा एक ढक्कन ले लूंगी इसी में। देखिए कितना अच्छा बन गया अभी, और अब मैं इसका यूज करूंगी। ये सीवीड दोस्तों ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ये जैसे 1 लीटर पानी है तो उसमें 1 ml अंदाजे से ले। ज्यादा इसका अगर यूज करेंगे या सीधा यूज करेंगे तो ये फिर आपके पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा देगा, तो इसको पानी में मिक्स करके लेना चाहिए। तो देखिए मेरा ये फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया।